अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है उसामा शाहिद, सोफी एग्रो इंजीनियर, सर्कुलर रोड डस्टर से। आज हम ये एक जिस मल्टीपर्पज़ टोका और चेकिंग मशीन का एक्सपेरिमेंट करने के लिए जा रहे हैं, और उसके लिए हमने एक मन सबज चारा इकट्ठा किया है, और वो हम देखते हैं कि ये एक मन सबज चारा कितनी देर में कुतरती है। उसके अलावा हम इसके साथ आटा भी बनाएंगे और मकई का दलिया भी बनाएंगे। अरे, सबसे पहले बात करते हैं सबज चारे के, मशीन की वर्किंग वीडियो देखते हैं, देखते हैं कि ये चारा कैसा कुतरती है और कितने टाइम में कुतरती है। शुक्रिया। जी, अब हम देखते हैं कि हमने इसके साथ जो सी है मकई के सिट्टे हैं वो भी डाले हैं। अगर आप इसको चारे के साथ कुतरना चाहते हैं तो उसके अंदर हम आप देखते हैं कि इसने वो मकई के जो से हैं सिट्टे उनको भी कुतर दिया है। और उसके अलावा हम कैमरामैन से पूछते हैं अभी कितने सेकंड की वीडियो बनी है। अभी 4 मिनट की बन रही। 4 मिनट के अंदर अभी रद्दा बनाने वाले हमारे जो बंदे हैं वो इतने तेज नहीं थे। 4 मिनट के अंदर इसने जो सी चारे की बेहतरीन कुतराई कर दी है, और उसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये मकई के जो दाने हैं ये भी अंदर क्रैक हो चुके हैं। तो छोटे लेवल पे जो से हैं गोट फार्मर या घरेलू इस्तेमाल के लिए जो लोग अपने ये साइलेज मशीन मिनी साइलेज मशीन का इस्तेमाल करना चाहते हैं उनके लिए ये चीज़ बहुत ही मुफीद है। तो अगर हमारे ये रद्दा लगाने वाले बंदे एक्टिव होते हैं तो मेरे ख्याल से ये 2 से 2.5 मिनट के अंदर एक मन जो सा है सबर चारा इसको कुतरने की सलाहियत रखती है। और आप ये कुतरा देख सकते हैं कि कितना बारीक है, और इसके अंदर ये मकई के दानों के ऊपर मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि फोकस करे। ये मकई के दाने जो से हैं तकरीबन हर दाना क्रैक हो चुका है, और अगर फॉर एग्जाम्पल आप बेहतर तरीके से अगर आप चाहते हैं कि आप इसका दलिया बनाना चाहते हैं तो अभी हम आपको वो भी एक्सपेरिमेंट करके दिखाते हैं कि इसका जो सा है मकई का
दलिया आप कैसे बना सकते हैं, हम मोटी जाली लगा के मकई का दलिया भी आपको बना के दिखाते हैं ताकि आपकी जो सी है इसकी परफॉर्मेंस वो क्लियर हो। और मजीद हम इसको देखते हैं, आप इसका कुतरा देखें, बिल्कुल बारीक है। इसके अलावा ये मकई है, आप इसको देख सकते हैं कि मकई किस तरह क्रश हो चुकी है। तो इससे जो से आपकी जो जानवर है उसका गजाइत बनेगी और वो इसको हजम आसानी से कर सकेगा और मोटा तगड़ा होगा। अब हम इसकी दूसरी वीडियो की तरफ चलते हैं जहाँ पे हम ये मकई है इसको हम लोग जो से है मोटी जाली लगा के इसका दलिया भी बनाएंगे, जो दूसरे तरीके से आप इसको सब्ज चारे के ऊपर अपनी छटा लगा सकते हैं ताकि आपको इस जो मशीन है हम इसके मल्टीपर्पज दिखा सकें। आपको बताता चलूं कि ये जो मशीन है ये सिर्फ चारा नहीं कुतर सकती, इसके अलावा ये छटी भी है, ये आपका वंडा ब्रीक कर सकती है, ये मुख्तलिफ किस्म की जालियाँ इसके साथ, ये इसके साथ आप अपनी तूड़ी ब्रीक कर सकते हैं, इसके अलावा आप आटा बना सकते हैं, मिर्च मसाला जात पीस सकते हैं या कोई भी चीज़ मुख्तलिफ साइज़ के मुताबिक जितनी आप क्रश करना चाहें ब्रीक करना चाहें आप वो कर सकते हैं। अभी हम मोटी जाली के साथ इसके अंदर वो भी देखेंगे कि ये मकई के साथ किस तरह उसको ब्रीक करती है और उसके बाद हम आपको इसके बाद आटा भी बना देते हैं। आप देख सकते हैं कि हमने पूरी छली अंदर डाली थी और पूरी छली को मोटी जाली के साथ लगा के किस तरह इसने ब्रीक कर दी है। अगर आप इसकी क्रशिंग की बात करें तो इसकी चारा कुतराई के ऊपर कैपेसिटी जो सी है 1 टन घंटे की है और इसकी कुतराई ये जो क्रशिंग है इसकी ये जो सी क्रशिंग की कैपेसिटी है तकरीबन 2.5 से 3 मन घंटे की है। आप सब्ज चारे को वैसे भी कुतर के आप इसके साथ जो सा है इसको ऐसे इस तरीके के साथ अपने चारे के ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हैं ताकि आपका जानवर ये खा के सेहतमंद हो जाए, मोटा ताज़ा हो जाए और उसका पेट भी ख़राब ना हो। ये इसके अंदर आप देख सकते हैं, मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि करीब से दिखाए कि कोई एक ऐसा दाना नहीं है मकई का जो कि क्रैक या क्रश नहीं हुआ और ये हमने सबसे मोटी जाली वाली जो जाली लगा के इसके अंदर इसके साथ इसको क्रश किया है। और अब हम देखेंगे इस मशीन के साथ आटा बना के आटे के ऊपर पर इसकी कैसी प्रोडक्शन रहती है। और आटे के साथ साथ जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये मसाला जात बेसन सुरख मिर्चें गरम मसाला हर किस्म का वो काम कर सकती है जो कि आम एक जो है छोटे जिम्मेदार की जरूरत है। बहुत शुक्रिया।
ये देखिए जी, हमने इस मशीन के साथ आटा भी बना के चेक किया है और इसके साथ अब हम इसी गंदम का जो सा है वो दलिया भी बना के देखते हैं। जो सी हमने मकई का कुतरा करने के लिए जाली लगाई थी, ये सबसे मोटी जाली थी और अब हम आटे से मोटी और इससे बारीक जाली, एक दलिये वाली जाली है वो बना के इसके साथ दलिया बना के देखते हैं कि उसका कैसा रिजल्ट। दलिया बना के ये हमने जाली लगाई थी जो मकई की कुतराई करने के लिए, ये उससे पतली जाली है और एक आटे वाली जाली से मोटी जाली और इससे बारीक हमने अब लगाई है दलिये के लिए। अब उसके साथ हम दलिया बना के देखते हैं। देखा आपने ये मकई के दानों का, ये सॉरी गंदम के दानों का इस तरह दलिया बना दिया। इस तरह आप बाजरे का दलिया बना सकते हैं, बाजरे का आटा भी बना सकते हैं, मकई के दानों का इस तरह दलिया बना के आप अपने सब्ज़ चारे के ऊपर फेंक सकते हैं। किसी भी किस्म की मोटी या बारीक उतराई आप इसके चारा के साथ साथ आप कर सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी प्रोडक्ट, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी तो हमारी ये चैनल को और फेसबुक पेज को लाइक और सब्सक्राइब करें और ऑर्डर प्लेस करने के लिए आप हमारे दिए गए फ़ोन नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारा जो सा शोरूम का एड्रेस है, यह है सोबी एजी इंजीनियर्स, सोबी एग्रो इंजीनियर्स, सर्कुलर रोड दस्का नर्ड नज़्द वापडा ऑफिस। तो वापडा ऑफिस के करीब हमारा ये जो सा है ये शोरूम है, आप हमें विज़िट कर सकते हैं और ये आपको मशीन अवेलेबल हो सकती है। बड़ी ही मुफीद मशीन है ये छोटे ज़िमींदार के लिए, गोट फार्मर्स के लिए या जो कमर्शियल लेवल पे साइलेज का काम नहीं करना चाहते, सिर्फ अपना करना चाहते हैं, बहुत मुफीद मशीन है। बहुत शुक्रिया।